नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा कि अपने लिए एक शानदार लोगो कैसे बनाएं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। दोस्तों इसके लिए आपके पास एक सिंपली से एक ऐप्स होना चाहिए जिसका नाम है फिक्स आर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं वो जो आइकन है, ये आपको ऐप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है दोस्तों। आने के बाद सिंपली से आपको नीचे की ओर चले जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सब बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, इनमें से आपको, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बनाना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको करना क्या है, टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपका जो आप दोस्तों अपने चैनल के हिसाब से जो साइज़ का बनाना चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन में जाना है दोस्तों। जैसे ही आप क्रॉप पे चले जाते हैं, क्रॉप पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर आ जाना है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं, स्क्वायर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट यानी सही पे क्लिक कर देना है, सही कर देना है दोस्तों। इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है, टेक्स्ट पे चले जाना है। जिस नाम पर आपका चैनल है दोस्तों उस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पर स्टाइल जैसे ही आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो मेरा नाम बॉस टेक्निकल मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। यहाँ पर बी लिखूंगा पहले मैं। बी लिखने के बाद थोड़ा इसको साइज बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद यहाँ पर कलर चॉइस कर लूँगा दोस्तों। तो कलर दोस्तों मैं यहाँ पर एक नीला ले लेता हूँ। नीला लेने के बाद दोस्तों इसको इस प्रकार से सेट कर देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से सेट करने के बाद फिर आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो सिंपली से वीडियो पूरा देखते रहिए दोस्तों। इसको सही पे क्लिक करना है। सही पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट पे चले जाना है दोस्तों। तो मेरे चैनल का नाम है बॉस, तो मैं पहले बॉस लिख देता हूँ फिर टेक्निकल लिखूंगा दोस्तों। यहाँ पर लिखने का फिर से इसको सही करना है। सही करने के बाद दोस्तों फिर इसको इतना बड़ा कर देना है बी आकार के हिसाब से कि ये थोड़ा देखने पर इफेक्टिव लगे, अच्छा लगे दोस्तों। यानी तो इतना करने के बाद फिर से कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद फिर आपको जो कलर अच्छा लगे, मुझे एग्जाम्पल ये कलर अच्छा लगता है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप बनाएंगे तो इसको थोड़ा टाइम देकर और अच्छे से बनाना दोस्तों, क्योंकि थोड़ा ये आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको चैनल पर ये हमेशा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों और आगे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको सही पे क्लिक करना है। जैसे ही सही पे क्लिक करेंगे ये आपके इसके हिसाब से सड़ जाएगा दोस्तों। मैं थोड़ा दोस्तों जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो चुकी है। फिर से आपको टेक्स्ट में जाना है और मेरे चैनल का नाम है बॉस टेक्निकल। तो सिंपली से मैं इसको टेक्निकल लिख लेता हूँ। टेक्निकल लिखने के बाद दोस्तों फिर करना क्या है, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद फिर आपको इसके नीचे नीचे की ओर लिख देना और इसका कलर जो है कलर आपको मेंटेन कर लेना है कि आपको किस प्रकार का कलर चाहिए यहाँ पर। तो मैं सिंपली से जल्दी जल्दी के लिए इस प्रकार का कलर ले ले रहा हूँ। फिर से आपको सही करना है और सही करने के बाद थोड़ा रॉन्ग हो गया दोस्तों। तो फिर से टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर टेक्निकल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक कलर ले लेना है दोस्तों। तो मैं सिंपली थोड़ा जल्दी से कलर ले ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बताने। आप अपने आराम से बनाइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको साइडों पे क्लिक करना है। साइडों पे आपको सामने आप जो भी कलर देना चाहेंगे आपके सामने वो कलर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं साइडों का मतलब इसके नीचे के साइड जो कलर आ रहा है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली से आप जो भी कलर आपको अच्छा लगे, अगर काला अच्छा लगे तो आप काला दे सकते हैं। फिर इसके बाद करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दोस्तों इस पर कट लगाना चाहते हैं तो कट लगाने के लिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर आपको ज़्यादा करना क्या है कट लगाने के लिए, जैसे कि कट लगाने से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा चैनल, अट्रैक्टिव लगेगा। तो सिंपली से आपको ड्रॉपर क्लिक करना है। ड्रॉपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ड्रॉपर। ड्रॉपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से इस वाले आइकन पर चले जाना है। आपको किस प्रकार का कट चाहिए दोस्तों, पहले बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है वाइट, जो अपना ने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। तो सिंपली से हम ये वाला कट लगाएंगे क्योंकि ये वाला थोड़ा कट अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से कर देते हैं दोस्तों। तो स्ट्रोक पे ही क्लिक रहेगा, फिलिंग में फिल पे आपको कर देना है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल आपको करना है दोस्तों, स्ट्रोक नहीं करना है। फिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जिस प्रकार का कट लगाना चाहें, मैं कट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे चैनल पर कट अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से मैं इसको रिमूव कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद फिर आपको करना क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो सिंपली से इसको सही पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या है, फिर से आपको अपने और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे देख सकते हैं क्योंकि, और टूल्स पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है जो सॉफ्ट
शॉप क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप शॉप क्रॉप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपको गोला ले लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो गोला है, जिस प्रकार का आप गोला लेना चाहेंगे उस प्रकार का गोला बन जाएगा दोस्तों। तो अपने चैनल के हिसाब से गोला ले लीजिएगा। तो इस प्रकार का आप लेने के बाद इसको आपको सेव कर लेना है। जैसे मैं सेव कर लूँगा वो खाली उतना ही आ जाएगा दोस्तों। उतना आने के बाद फिर आपको जितना भी इसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहें छोटा कलर जैसे जैसा कलर लगाना चाहें वैसा कलर लगा सकते हैं बैकग्राउंड पर। तो आपका लोगो और भी अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा लगेगा दोस्तों। तो इसको आप सोच के और समझ के और अच्छे से बनाइएगा दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और सारा कुछ आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो फिर मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए दोस्तों, मैं आपको आसानी से बता दूँगा।